हमारे पुराणों की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ देवी देवताओं की ही कहानियां नहीं है, नक्षत्रों तक की कहानियां है। आज मैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण से आपको रेवती नक्षत्र की कहानी सुनाऊंगा कि कैसे रेवती नक्षत्र पहले तो नक्षत्र मंडल से गिरा दिया गया और फिर वापस उसे स्थापित किया गया। तो गिराया क्यों गया और स्थापित क्यों किया गया, ये दोनों ही कहानियां आज आपको पता चलेंगी। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग पुराणों में कितने श्लोक हैं, ये आपको श्रीमद् देवी भागवत में जानने को मिलेगा। जैसे आदि पुराण यानी कि मत्स्य पुराण में 14,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं, ठीक है। भागवत पुराण में 18,000, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक बताए जाते हैं। इसके अलावा वामन पुराण में 10,000, वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 और नारद पुराण में 25,000 श्लोक बताए गए हैं। इसके आगे बताया जाता है कि पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 और कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हमारे 18 पुराण होते हैं टोटल। तो ये अलग अलग पुराणों में कितने श्लोक हैं, ये सबसे पहले बताया गया श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। और इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी रेवती नक्षत्र की कहानी में, जो आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चतुर्थ अध्याय में जानने को मिलेगा। कहानी शुरू होती है सूत जी से। सूत जी बताते हैं कि एक समय अगस्त ऋषि जी ने कार्तिकेय जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के बारे में जानना चाहा, उनसे पूछा और ये जानना चाहा कि इसका महत्व कितना है। तो जो कथा कार्तिकेय जी सुनाते हैं अगस्त ऋषि को, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कथा में बताते हैं कि ऋतवाक नाम से एक विख्यात और महान बुद्धिमान संपन्न मुनि थे, रेवती नक्षत्र के अंत भाग में, जिसे गणांतक योग कहा जाता है, इस समय में उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, ठीक है। अब ऋषि जी ने पुत्र का जात कर्म आदि क्रियाएं की, चूड़ाकरण किया, उपनयन आदि संस्कार सारे विधि पूर्वक तरीके से अच्छी तरीके से किए। ऋतवाक नामक मुनि का जब से पुत्र उत्पन्न हुआ था, तब से उनके यहाँ शोक, रोग, क्रोध, लोभ सभी ने उन्हें घेर लिया था। बालक की जो माता थी वो रोगादियों से ग्रस्त हो गई थी और इसके साथ साथ हमेशा शोकाकुल रहती थी। तो जो ऋतवाक ऋषि थे, उनके मन में ये विचार आया, वो सोचने लगे कि ये अत्यंत दुर्मति पुत्र आखिर कहां से उत्पन्न हुआ है। युवा अवस्था होने पर उस पुत्र ने एक मुनि पुत्र की पत्नी का हरण तक कर लिया। सोचिए, इतना दुर्मति पुत्र था वो, जिसने एक दूसरे की पत्नी का हरण भी कर लिया। अब जो ऋषि ऋतवाक थे वो बड़े दुखी थे। उन्होंने सोचा कि इस तरह के पुत्र से तो पुत्रहीन ही होना अच्छा है। यहाँ पर यहां तक लिखा गया है कि कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। जब तक जीवित रहता है तब तक अपने माता पिता को केवल कष्ट पहुंचाता है। ऐसे कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है, ये इतना इसमें बताया गया है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जगत में दुख और नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ये महर्षि ऋतवाक सोच रहे हैं कि इतना दुर्बुद्धि पुत्र मुझे मिला है कि ये सारी चीजें मुझे सहन करनी पड़ रही हैं। ये सब सोचकर एक दिन मुनि ऋतवाक पहुंचते हैं गर्ग ऋषि के पास, जो कि ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष के बड़े आचार्य थे। ऋतवाक मुनि जी से मिलते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ, कृपया कर आप उसे बताइए कि ऐसा पुत्र हमें किस कारण मिला है। क्या ये मेरे कर्मों की वजह से है, क्या ये मेरी पत्नी के कर्मों की वजह से है, या ये मेरे कुल के कर्म की वजह से है कि मुझे इतना दुर्मति पुत्र प्राप्त हुआ है। अच्छा, जो गर्ग ऋषि थे, गर्गाचार्य भी जिन्हें कहा जाता है, वो सारी चीजें ध्यान से देखते हैं, कुंडली देखते हैं और सोच विचार करने के बाद बोलते हैं कि हे मुनि, इसमें ना तो आपका दोष है, ना बालक की माता का दोष है, ना कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग, जिसे गणांतक योग कहते हैं, इस योग में आपके बालक का जन्म हुआ है और इसीलिए
ये इस प्रकार का है, इसीलिए ये दुर्बुद्धि है, दुर्मति है। अब ये सब सुनकर जो ऋषि ऋतवाक होते हैं वो क्रोध से पहले तो मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं और रेवती नक्षत्र को श्राप देते हैं कि हे रेवती नक्षत्र, तुम आकाश मंडल से यानी कि नक्षत्र मंडल से नीचे गिरो। ऋषि के प्रभाव से रेवती नक्षत्र आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरता है और नक्षत्र मंडल से हट जाता है। ये हुई एक कहानी कि कैसे रेवती नक्षत्र नक्षत्र मंडल से एक ऋषि के श्राप की वजह से गिर गया। कहानी या कथा थोड़ी सी और आगे चलती है। रेवती नक्षत्र की कांति से एक कन्या का जन्म होता है जिसे मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर रेवती का नाम दिया। वो इस कन्या को अपने साथ अपने आश्रम में लेकर आए, वो इसका लालन पालन करने लगे और जब कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो वो उसके वर के लिए चिंतित हो गए कि अब इस कन्या का विवाह कैसे करें, क्योंकि उस कन्या की कांति ऐसी थी, वो इतनी सुंदर थी जैसे पृथ्वी पर दूसरी लक्ष्मी हो। अब ऐसी कन्या के लिए वर भी उसी के बराबर का होना चाहिए। यही सोचकर ऋषि प्रमुच जो थे वो बड़े चिंतित रहते थे। तो एक दिन उन्होंने एक यज्ञ शुरू किया और अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की स्तुति की और उनसे इस पर विचार विमर्श किया। अग्निदेव उनके सामने आते हैं और उन्हें बताते हैं, हे मुनि, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर और प्रिय बोलने वाले राजा दुर्दुम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर जो ऋषि होते हैं बड़ा प्रसन्न होते हैं कि अब मुझे मेरी कन्या के लिए योग वर और उसका नाम प्राप्त हो गया है। संयोगवश राजा दुर्दुम उसी वन में आखेट करने गए होते हैं, आखेट करने यानी कि शिकार करने के लिए पहुंचे होते हैं, जहां ऋषि प्रमुच का आश्रम था। वो आश्रम में पहुंचते हैं, रेवती को देखते हैं और अनायास ही उनके मुख से प्रिय शब्द निकल जाता है। राजा दुर्दुम कहते हैं, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहां गए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। तब कन्या कहती है कि महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। इसी दौरान, इसी समय के बीच में महर्षि जो होते हैं वो अग्निशाला से निकलते हैं, राजा को देखते हैं, अपने सामने ही राजा दुर्दुम को पाकर वो बड़े खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे जमाता हैं, आप हमारे दामाद हैं, आइए विराजिए। सारी बातें होती हैं, बातों बातों में विवाह की जब बात निकलती है तो जो रेवती जो कन्या होती है वो अपने पिता से कहती है कि हे तात, मैं सिर्फ रेवती नक्षत्र में ही शादी करूंगी क्योंकि मेरा जन्म रेवती के कांति से हुआ है। इसके बाद ऋषि बोलते हैं कि विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, रेवती तो आकाश में स्थापित ही नहीं है। अब यहाँ पर ऋषि जो है वो अपनी कन्या को रेवती नक्षत्र के गिरने की पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार क्रोध में आकर एक दूसरे ऋषि मुनि ने श्राप दिया, रेवती नक्षत्र नक्षत्र मंडल से गिर गया। जिसको सुनने के बाद कन्या जो होती है वो हट पकड़ लेती है, वो जिद पकड़ लेती है कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो रेवती नक्षत्र में ही करूंगी। अगर ऋषि ऋतवाक इतने तपश्चरी थे कि उनके तप के प्रभाव से एक नक्षत्र नक्षत्र मंडल से गिर सकता है, तो पिताजी आप में भी इतनी तपस्या है, आप में भी इतना साहस है कि आप एक दूसरे सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो आप रेवती नक्षत्र को फिर से पुनः नक्षत्र मंडल में स्थापित क्यों नहीं कर देते? ये सुनकर उनके पिता कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हित को ध्यान में रखते हुए मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोममार यानी कि नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दूंगा। कार्तिकेय जी अगस्त ऋषि से कहते हैं कि ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया और फिर विधि पूर्वक राजा दुर्दुम के साथ रेवती का विवाह हुआ। तो ये है श्रीमद् देवी भागवत की वो कथा जो आपको चतुर्थ अध्याय में मिलेगी, जिसमें नक्षत्र रेवती के गिरने और उसके वापस स्थापित होने को समझाया गया है। तो हमारे पुराणों में सिर्फ देवता, ऋषि मुनि, राक्षस इन्हीं की कहानी नहीं है, नक्षत्रों तक की कहानी है। और यहाँ से ये भी पता लगता है कि रेवती के अंतिम भाग जो कि गणांतक योग जिसे कहा जाता है, इसमें जन्मे जो लोग होते हैं वो दुर्बुद्धि हो सकते हैं, दुर्मति हो सकते हैं, जो अपने कुल के लिए अच्छा ना करें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अगर श्रीमद् देवी भागवत से और कहानियां जानना चाहते हैं
कि हमें और कहानियां सुनाई है इस पुराण की, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सुनते रहिए रेडियो सिटी, मेरा नाम है अखिल।